हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक फ्रेंच मूवी को जिसका नाम है लाइफ फ्लैश। और बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में जो है 7.1 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम इजाबेल नाम की बंदी को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट थी, उसकी मदर उसे हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प कर रही थी। उस टाइम 1997 में पूरी कंट्री बंद थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक बस वाले को उसने रोक लिया। वो ज़बरदस्ती उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। हॉस्पिटल जाने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसकी वजह से इजाबेल की डिलीवरी इसी बस में हो जाती है। उसका जो बेटा हुआ उसका नाम विक्टर रखा गया। ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। बस में डिलीवरी हुई थी तो इसकी वजह से इजाबेल और विक्टर को बस का लाइफ टाइम फ्री पास दे दिया गया था। इसके बाद मूवी में 20 साल बीत चुके हैं। जिस रास्ते पर विक्टर का जन्म हुआ था उसी रास्ते पर वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है। वो आज रात को जल्दी से रेडी होकर अपनी बंदी से मिलने के लिए जा रहा था। एक्चुअल में उसकी बंदी का नाम अलीना होता है। अलीना से वो एक हफ्ते पहले एक बार में मिला था, वहीं पर ये दोनों इंटीमेट भी हो गए थे। आज रात इन्होंने डिसाइड किया ये फिर से डेट पर मिलेंगे, इसी वजह से वो उसके पास जा रहा था। इसी के दूसरी तरफ हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, एक का नाम डेविड होता है और दूसरे का नाम सांचो। सांचो आज बहुत ही डिस्टर्ब था और ड्राइव करते हुए ड्रिंक भी कर रहा था। वो कहता है मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही है, उसने अपनी वाइफ को बहुत मारा था, इसलिए वो उसे कॉल करके सॉरी कहता है। वो अपने पार्टनर डेविड से कहता है मुझे क्या करना चाहिए। उसे लगता है उसे अपनी वाइफ को मार देना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जिस आदमी के साथ उसकी वाइफ है वो उस आदमी को भी मार सकता है। डेविड कहता है इस तरह की कोई भी बात मत करो। इसके बाद हम देखते हैं विक्टर एलिना के घर के बाहर आता है। वो उसे कॉल करता है, एलिना की कोई डेट है इसके बारे में वो भूल चुकी थी। आज उसका ड्रग्स लेने का प्लान था और ये ड्रग्स लेकर एक आदमी उसके पास आने वाला था। वो विक्टर से कहती है हम किसी और टाइम जाएंगे। इस बात से वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो बस में चढ़कर पूरी सिटी घूमकर आता है। इसके बाद फिर से एलिना के घर पर आ जाता है, नीचे से वो बैल बजाता है। एलिना को लगता है जो बंदा उसे ड्रग्स देने के लिए आने वाला था ये वही है, इसलिए वो डोर ओपन कर देती है। वो ऊपर आ जाता है, अलीना उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विक्टर कहता है मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहती, हम दोनों इंटीमेट भी हुए थे, सब कुछ ठीक था। अलीना उसे जाने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं मान रहा था। अलीना डायरेक्टली गन लेकर आती है और उसे निकल जाने के लिए कहती है। विक्टर गन उससे छीनने की कोशिश करता है और वो नीचे गिर जाती है और एक फायर शॉट हो जाता है। बिल्डिंग की एक लेडी आवाज़ सुनकर पुलिस को कॉल कर देती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वही दोनों पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं। दोनों बाहर से ही विक्टर और एलिना को एक दूसरे से झगड़ता हुआ देखते हैं, फिर दोनों शांत हुए। विक्टर यहाँ से जा रहा था तभी इन दोनों पुलिस ऑफिसर को देखकर विक्टर और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर दोनों पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ जाते हैं और विक्टर डर की वजह से गन अलीना को लगा देता है और वो कहता है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। अलीना अगर चाहती तो सब कुछ सच सच बता सकती थी लेकिन वो कुछ नहीं बताती। फिर डेविड विक्टर से कहता है गन नीचे कर दो और अलीना को मेरी तरफ भेज दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीना यहाँ से बाहर चली गई और विक्टर गन रख रहा था तभी सांचो और विक्टर में हाथापाई होने लगती है। विक्टर के हाथ में गन थी जो सांचो छीन रहा था। डेविड किसी को भी शूट नहीं कर पा रहा था। उन दोनों के झगड़े में अचानक से गोली चलती है, ये डेविड को लगती है और इसके बाद विक्टर को अरेस्ट कर लिया गया, उसे 4 साल की सजा होती है। डेविड के पैर में गोली लगी थी जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन फिर भी उसने लाइफ में हार नहीं मानी और वो पैरालाइज्ड लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलने लग गया और वो इन 4 सालों में नेशनल चैंपियन बन गया। उस रात डेविड और एलिना ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा और उन दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था और इन दोनों ने अब शादी कर ली है। विक्टर को जेल में लगता है डेविड की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। वो एलिना और डेविड से बदला लेना चाहता था। जेल से जब वो बाहर आया तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद जब वो अपनी मदर की मेमोरियल पर पहुंचता है तब वो वहाँ पर देखता है अलीना के फादर की डेथ हो गई थी। फिर वो कॉन्फिडेंटली उसके पास जाकर कहता है बहुत बुरा हुआ, वो एलिना के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता था। फिर एक फूल के कार्ड से उसे पता चला वो एक NGO में काम करती है। फिर यहाँ पर विक्टर एक और बंदी से मिलता है जिसका नाम क्लारा होता है।
फिर ये दोनों बात करते हैं और विक्टर क्लारा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है अलीना और डेविड खुश हैं? क्लारा कहती है, मैं अलीना को ज़्यादा जानती नहीं, वो डेविड की फ्रेंड होती है, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। फिर विक्टर क्लारा को ड्रिंक करने के लिए घर पर इन्वाइट करता है, क्लारा इसके लिए मान जाती है। और जब वो उसके घर पर पहुँचती है, काफ़ी टाइम से विक्टर के घर पर कोई रह नहीं रहा था, इस वजह से घर काफ़ी बिखरा हुआ पड़ा था। ये सब देखने के बाद वो अपना माइंड चेंज कर लेती है, विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है और कहती है, मैं फिर कभी आऊँगी। इसके बाद आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में अलीना डेविड से बात करती है, डेविड इस बात से डिस्टर्ब हो गया और वो कहता है, हमें पुलिस को भी ये बात बता देनी चाहिए, विक्टर एक साइकोपैथ है। अलीना कहती है, हम ऐसे कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो मुझे सिर्फ मिलने के लिए आया हुआ था। डेविड कहता है, शायद वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। अगले दिन अलीना जहाँ पर काम करती है विक्टर वहाँ पहुँच जाता है, उसे देखने के बाद वो फिर से घर चला जाता है। घर पर उसे डेविड मिलने के लिए आता है, वो उसे धमकाता है और कहता है, तुम अलीना से दूर रहोगे वरना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। विक्टर उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, इस हालत में तुम मेरा क्या करोगे। ये एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन टीवी पर फुटबॉल का मैच चल रहा था, उधर गोल होता है और ये दोनों चेयर करते हैं। डेविड का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हें वार्न करना था। ये कहकर वो चला जाता है। फिर व्हीलचेयर से अपनी कार तक पहुंचने में डेविड को काफी सारा टाइम लगता है। फिर इसी के बीच उसने क्लारा को विक्टर के साथ नोटिस किया। विक्टर के पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था, इसलिए क्लारा उसके लिए बेड लेकर आई थी। विक्टर क्लारा को सारी रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, वो उसके साथ इंटीमेट हो सकता है। क्लारा भी मान जाती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये सारी चीजें डेविड बाहर से नोटिस कर रहा था। इंटीमेट होने के बाद विक्टर क्लारा से कहता है, मुझे पूरे वर्ल्ड का बेस्ट लवर बनना है। क्लारा कहती है, तुम्हें इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तुम आज मेरे साथ जेंटल नहीं थे, एक दूसरे से प्यार करते हुए इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, यही तुम्हारा फर्स्ट लेसन है। अगले दिन जब एलिना अपने काम पर गई तब वहाँ विक्टर भी पहुँचा हुआ था, वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है। वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विक्टर कहता है, हम एक ही सिटी में रहते हैं, हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। विक्टर ने जेल में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था तो यहाँ पर काम करने से उसे कोई भी नहीं रोकेगा। वो कहता है, जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। अलीना को भी ये बात समझ में आ जाती है, वो वैसे भी बिना किसी रीज़न के उसे यहाँ से नहीं निकाल सकती। डेविड विक्टर और क्लारा पर नज़र रख रहा था। जब ये दोनों इंटीमेट होते हैं तब वो उनकी फ़ोटो निकाल लेता है। उसने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे एक रीज़न होता है। एक्चुअल में क्लारा डेविड के पुराने पार्टनर सांचो की वाइफ है। क्लारा और सांचो के बीच हमेशा से प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। सांचो क्लारा को मारता है, इनमें कोई भी रियल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए क्लारा सांचो से डिवोर्स लेना चाहती है। सांचो इसके लिए मान नहीं रहा था। वो कहता है, जब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी था। सांचो को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, यही बात क्लारा को पसंद नहीं है, तो इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी रेडी था। अगले दिन डेविड विक्टर का पीछा करता है, उसे पता चलता है विक्टर एलिना के साथ ही काम कर रहा है। इसके बारे में उसने एलिना से बात की। एलिना कहती है, बिना किसी रीज़न के मैं उसे नहीं निकाल सकती। डेविड इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो विक्टर से अकेले में बात करता है। वो उसे कहता है, मेरी पूरी लाइफ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन डेविड नहीं मानता। उस रात जिस तरीके से इन दोनों की फाइट हुई थी, फिर वो दोनों आपस में फिर से झगड़ने लगते हैं। वो कहता है, मैं एक्चुअल में तुम्हें मार ही नहीं सकता, तुम पर गोली सांचो ने चलाई थी, तुम्हारा क्लारा के साथ अफेयर था तो इसी बात का बदला उसने लिया था। इसका मतलब होता है, मूवी के स्टार्टिंग में सांचो बता रहा था क्लारा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये अफेयर किसी और के नहीं बल्कि डेविड के साथ ही चल रहा था। सांचो ने बदला लेने के लिए डेविड पर गोली चलाई थी। ये सब कुछ अब डेविड की समझ में आ रहा था, उसे बहुत बुरा लगता है। एलिना डेविड और विक्टर दोनों से दंग आ चुकी थी। एलिना डिसाइड करती है और वो अपना ट्रांसफर करवा लेती है क्योंकि डेविड नहीं चाहता वो विक्टर से मिले। ये जो कुछ भी हो रहा था इसकी वजह से एलिना और डेविड बहुत डिस्टर्ब थे। डेविड फिर एलिना को उसके और क्लारा के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है।
जिसे सुनते अलीना बहुत अपसेट हो जाती है। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में वो विक्टर से मिलती है। वो कहती है, मुझे डेविड ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी लेकिन तुम्हें इसके लिए जेल में जाना पड़ा। विक्टर कहता है, लेकिन मैं भी गुस्से में था, मैं जब वापस आया तो मुझे सिर्फ तुमसे बदला लेना था। मेरा प्लान भी बहुत स्टूपिड था, मुझे लग रहा था मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊंगा और जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो अपने खुद के प्लान पर ही हंसता है। एलिना इस बात से अनकंफर्टेबल होकर यहाँ से चली जाती है। अब वो सिटी में नहीं थी तो विक्टर उसे भूलने के लिए एक रियल जॉब ले लेता है। वो दिन भर बहुत मेहनत करता है, आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन उसने डिसाइड किया और क्लारा के साथ उसने ब्रेकअप कर लिया। वो इसके बारे में उससे बात करता है लेकिन क्लारा अब विक्टर से प्यार करने लग गई थी। वो उसे कहती है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अपने से दूर मत करो। फिर वो बहुत अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। फिर एक रात अचानक से एलिना विक्टर से मिलने के लिए आ जाती है। डेविड ने उसे हर्ट किया था तो इसकी वजह से वो विक्टर के साथ इंटीमेट हो गई। जब सुबह वो घर पर आई तब डेविड उसे देखकर खुश था, वो उसके पास आकर इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन एलिना कहती है, मैं पूरी रात विक्टर के साथ थी। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है, वो चीज़ें तोड़कर बाहर चला जाता है। इसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लारा अब सांचो से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और अपना सारा सामान पैक करके घर से जा रही थी। सांचो उसे जाने नहीं दे रहा था इसलिए वो गुस्से में गन लेकर आती है। वो उस पर शूट करके यहाँ से चली जाती है। ये गोली सांचो को छूकर निकल जाती है, वो ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ था। अब डेविड और सांचो विक्टर की वजह से दोनों परेशान थे। वो डिसाइड करता है कि वो विक्टर से बदला लेगा। इसी वजह से क्लारा और विक्टर के जो भी फोटोज़ थे वो इन्हें लेकर सांचो को दिखा देता है। एलिना को जब ये बात पता चलती है, उसे पता चलता है डेविड सांचो के पास गया है और वो उसका रूम चेक करती है, तब उसे विक्टर और क्लारा के फोटोज़ दिखते हैं। एलिना को भी सारी सिचुएशन समझ में आ गई थी। डेविड ने जाकर जब सांचो को फोटोज़ दिखाए तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो डायरेक्टली जाकर विक्टर को मार डालना चाहता था। क्लारा अपना सारा सामान लेकर विक्टर के घर पहुंचती है। विक्टर घर पर नहीं था, तब वो उसे लेटर लिखती है। वो कहती है, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तब तक सांचो ने मुझे शायद मार दिया होगा, मैं यहाँ से भाग रही हूँ और तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारे लिए मैं कुछ पैसे छोड़कर जा रही हूँ। यही लेटर लिखते हुए तब तक सांचो वहाँ पर पहुँच जाता है। इन दोनों के हाथ में गन थी। क्लारा कहती है, विक्टर यहाँ पर नहीं है। सांचो कहता है, अब क्या होगा, क्या अब हम एक दूसरे को मार डालेंगे? क्लारा कहती है, ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। फिर अचानक से घर पर विक्टर पहुंच जाता है। सांचो अगर उसे देखता तब वो उसे मार डालता। इसी वजह से क्लारा सांचो पर शूट कर देती है। सांचो भी गन चला देता है और ये दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन सांचो अभी भी जिंदा था। वो विक्टर को देख कर कहता है, उस रात मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। सांचो क्लारा से बहुत प्यार करता था, वो उसके मरने के बाद खुद भी जीना नहीं चाहता। वो अपने आप को गोली मार कर खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद एलिना और डेविड भी एक साथ नहीं थे। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद डेविड उसे लेटर लिखता है। वो कहता है, मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया होगा, जब भी तुम मेरे साथ थी तब तुम कभी भी खुश नहीं थी, मेरे साथ होकर भी तुम अकेली थी। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं एलिना और विक्टर दोनों एक साथ हैं। एलिना विक्टर से प्रेग्नेंट है और ये दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं। जिस तरह से विक्टर के जन्म से ये मूवी स्टार्ट हुई थी उसी तरह से विक्टर के बेटे के से ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।